आज आपको स्वीडन की ऐसी चीज दिखाई जाएगी जो सिर्फ अभी तक मैंने मैंने खुद इंडिया में देखी। हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी वैंडरिंग सोल्स। और आज हम आए हैं एक नई जगह पे। जी हाँ, और अभी चल रहा है समर, तो हम कर रहे हैं भ्रमण स्टॉकहोम आर्किपेलागोस के। तो आज आए हैं एक नए आइलैंड पे और जिसका नाम है सोद्रा ग्रिंदा। जी हाँ, सोद्रा भी है क्या आगे? हाँ, मतलब हम साउथ साइड में उतरे हैं तो सोद्रा ग्रिंदा। तो यहाँ से घूमते घूमते नॉर्थ तक पहुँचेंगे और दिखाते हैं आपको अंदर का सफ़र। और बहुत सारे लोग आए हैं और आज टेम्परेचर हो रहा है 28, तो काफ़ी अच्छा वेदर है और फन एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आसपास का नज़ारा। कितने सारे लोग जा रहे हैं मेरे आगे और ये सब हमारी वाली फेरी में आए हैं। और यहाँ पे है ये एक छोटा सा ग्रीन एरिया, यहाँ पे लोग सनबाथ ले रहे हैं। देखिए सब अपने तंबू वगैरह लेके आए हैं, अच्छे से सन बाथ ले रहे हैं। और सामने पानी भी है, तो छोटा सा बीच है, सैंड बीच यहाँ बहुत कम होते हैं, बट ये वाला थोड़ा सा पानी किनारे हल्का हल्का पानी है, तो यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं लोग। यहाँ पे जगह जगह पे पब्लिक शौचालय भी है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, ओपन में नहीं जाना पड़ेगा। ओपन में नहीं जाते, हाँ नहीं जाते हैं कई जगह पे लोग। हाँ, यहाँ पे भी लोग जाते हैं, मैंने हमने देखा है, नोटिस किया है। काफ़ी लोग जब उनको बाथरूम नहीं मिलता है तो ओपन में ही गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। बट मोस्टली वो दिन आपको दिखेगा वीकेंड्स और फ्राइडे नाइट पे, क्योंकि तब लोग सब टुन होते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ कैफेटेरियाज भी हैं, तो खाने को भी मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि जस्ट निकलते ही जहाँ पे तुम्हारा सीटिंग एरिया, जहाँ पे तुमने बैठना है, वहाँ पे तुम्हें कुछ खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। जी हाँ, और आइलैंड है, पूरा नेचर रिजर्व है यहाँ पे, तो चारों तरफ ट्रैकिंग के लिए जंगल बना हुआ है, तो कहीं मर्जी घूम सकते हैं। को ये यहाँ का पूरा मैप आइलैंड का और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए बानन ग्रिंदा, यहाँ पे बच्चों के लिए ये है, ये जो एनिमल्स के साथ उनको फीड करवाना वगैरह के लिए। और ये बता रखा है यहाँ पे वॉर्धूस के बारे में और यहाँ की हिस्ट्री ग्रिंदा की, ऑलमोस्ट स्वीडिश में लिखा हुआ सब कुछ, तो ये सब देख सकते हैं आप। ये हनी और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्स, और ये वो हर 500 मीटर पे ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे जहाँ पे आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। पहुँच गए हम एक पानी किनारे, जगह मिल गई हमें और छाँव में बैठे हैं अभी हम, थोड़ी देर में धूप भी आ ही जाएगी। और क्या कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे? फ्रूट्स खा रहे हैं, हम लोग फ्रूट्स लेके आए थे, हमने वैक्सोम से ही फ्रूट्स दे लिए थे। जी हाँ, तो अब यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर सुस्ताएंगे और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे आसपास का नज़ारा। सभी लोग सनबाथ ले रहे हैं और कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यही पिकनिक चल रही है यहाँ पे सबकी। मुझे भी भूख लग रही है और हमें भी भूख लग गई है, तो खाना खाते हैं और उसके बाद फिर पानी में जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितना गहरा है पानी। गाइज, अब हमने खाना खा लिया है जो भी लेके आए थे, और साथ में फ्रूट्स लिए थे, वो भी हमने इंजॉय किए, और व्यू तो लाजवाब था। और ये देखिए चारों तरफ हमारे, जस्ट मेरे बैक साइड में देख सकते हैं आप पानी, और पानी में खेलने का हमारा बिल्कुल भी साहस नहीं हुआ स्विमिंग नहीं आती है, स्विमिंग नहीं आती, बट ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, साइड में जा सकते थे लेकिन फिर मुझे लगा यार कौन फिर साफ करे पैरों को। और अरे सब बहानेबाजी है, साक्षी आई है जीन्स पहन के, कुछ कपड़े लेके नहीं आई मैं तो फिर भी शॉर्ट्स पहने हुए तो जा सकता था पानी में, बट फिर अकेले क्या फ़न था, तो नहीं गए।
पे चल रहे हैं पानी में एकदम, बहुत गहरा नहीं है, पास पास देखिए कमर तक है बच्चों के। तो आपको सामने दिख रहा है बहुत सारे कैफेज हैं यहाँ पे, एक ये बिल्कुल सामने ग्रिंदा वॉरहूस, और साथ में यहाँ पे भी एक छोटा सा कैफे और है। और अगर आपको पानी किनारे जगह ना मिले लेटने की बैठने की तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट बगल में ही देखिए बहुत बड़ा पार्क और खाली मैदान, तो यहाँ पे आप अपनी चटाई बिछा के पिकनिक मना सकते हैं। बिल्कुल गाइस, आपको लाइन जो दिख रही है ना, ये पूरी लाइन है आइसक्रीम की। समर्स है तो आइसक्रीम तो फिर हर किसी को खाना होता है। प्रवीण भी लग चुके हैं लाइन पे, बाहर इतनी गर्मी है तो फिर आइसक्रीम के लिए तो मन जरूर लग जाता है ना। यहाँ पे मैं हूँ अनहेल्दी इंसान जो कि शुगर खा रहा हूँ, और ये मोहतरमा खा रही हैं चेरीज। पर इतनी गर्मी है यार, बनता है शुगर तो, क्योंकि ये जो धूप है ना ये मेरे सिर से निचोड़ निचोड़ के निकाल रही है सारी शुगर। तो ये देखिए दूसरे एंड पे, ये दूसरी साइड पे भी एक और रेस्टोरेंट है यहाँ पे बैठने की जगह, और इधर लगी हुई काफ़ी सारी बोट्स। तो चलते हैं इधर, थोड़ा वॉक करके आते हैं। और अच्छा मौसम है यहाँ के लोगों के लिए, बट हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है हमें तो। और इधर भी एक, यहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हैं जैसे ये साइकिल्स वगैरह, और साथ में कुछ कपड़े यहाँ पे अगर खरीदारी आपको करनी है तो। So guys, we just crossed the harbor and now we are doing the tracking. So let's go. Let's do some tracking with us. चलो चलते हैं। तो बेबू कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम यहाँ के? मोस्टली हम लोग इधर उधर बाहर जाते हैं, ये जगह हमने काफ़ी सालों से नहीं कवर की थी, तो इस बार की है। और मौसम बाय चांस अच्छा मिल गया इस वीकेंड पे तो आ पाए हम, तो पूछते हैं साक्षी से कैसा लग रहा है उसको। हम हमेशा सिटी वाला ही व्यू देखते थे, तो मैंने सोचा कभी ना कभी नेचुरल ब्यूटी क्यों ना यू नो एक्सप्लोर किया जाए। So I'm loving it. We are doing a hiking, tracking together because काफ़ी high and lows हैं. So but I'm enjoying a lot. जी हाँ, सही कहा साक्षी ने, हमेशा हम ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे थोड़ी बहुत सिटी वाइब्स होती थी। तो इस बार हम कम्प्लीटली एक अलग ही टाइप के इन्वायरमेंट में आए हैं, एक आइलैंड है जहाँ पे सिर्फ नेचर है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो अच्छा लग रहा है। और We are literally walking into the woods. आप देखो चारों तरफ पेड़ है और सिर्फ हम दोनों हैं, बाकी सुनसान। बस I hope कोई जानवर ना आए तब तक सही है। और चलो देखते हैं कहाँ निकलती है ट्रेल और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। काफ़ी ट्रैक कर लिया है और दूसरे एंड पे आ चुके हैं आइलैंड के, और इस साइड से देखिए हमारे बैक में पानी दिख रहा है, तो चारों तरफ एकदम शांति शांति है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। तो अगर आपको क्राउड पसंद है नहीं है तो आप इस साइड आना सीधा, अदरवाइज आप साउथ वाले साइड में जो पार्क में हम बैठे थे वहाँ पर रुक सकते हो। और ये देखिए पानी के अंदर लोग स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इधर अंडर वाटर स्विमिंग हो रही है।
माय गॉड जस्ट सी जबरदस्त यहाँ पे कैंपिंग साइट भी है गाइस गाइस एक चीज दिखाते हैं जबरदस्त वाली साक्षी ने बता दिया है एक्साइटमेंट में ओ माय गॉड अभी देखो आगे सामने दिखाता हूँ हम पहुंच गए चलते चलते यहाँ पे एक जगह खाली मैदान जहाँ पे लगी हुई है बहुत सारे कैंप लोगों ने लगा रखे हैं और मेरा बहुत मन है और कैंप लगा के वहाँ पे स्टे करना हाँ। और मुझे दिख गए कैंपिंग साइड यहाँ पे काफी छोटे छोटे कैंप लगाए गए हैं लोगों ने हाँ तो जैसे साक्षी बता रही उसका बहुत मन है तो ये भी अच्छी जगह एक बार कभी आ सकते हैं यहाँ पे कैंप टेंट वगैरह लेके लगाने और दिखाता हूँ मैं आपको ये है वो ग्राउंड देखिए इधर भी लोगों ने लगा रखे हैं कैंप और यहाँ पे भी लगे हुए दो कैंप और ये हमारे सामने इधर भी लगा हुआ है कैंप और ये देखिए यहाँ पे है बॉन फायर करने के लिए तो बार्बेक्यू करो हाँ तो काफी सही है बस और चारों बहुत मन कर रहा है इसको देख के और ये देखो चारों तरफ पेड़ों से ढका हुआ ये बीच में मैदान बहुत ही खूबसूरत जगह है ये देखो ये लगा हुआ है तंबू थोड़ा सा जूम करके दिखाया मैंने अभी और दूसरा ये देखिए दो तंबू इधर हैं और फिर इधर हैं और ये देखिए सामने ये है टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट बाथरूम वगैरह और एक वहाँ उस साइड भी है ये देखिए और इनमें लगे हुए हैं सोलर पैनल तो आई थिंक यहाँ पे गर्म पानी भी आता होगा शायद आइकॉनिक हैंड पंप बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे और दोस्तों चलते चलते हमें एक और एंटीक चीज दिखी है दिखाता हूँ आपको भी ये देखिए और ये है पुराने जमाने का कुआं आई गेस जो कि मेरा बेस्ट है बट ये आधुनिक कुआं देख रहे हो इसमें कोई गहरा पानी नहीं है कुछ नहीं है और ये चलता भी नहीं है और ये चलता नहीं टूटा हुआ है बट इसका थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कैसे हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग क्या रहा हो सकता तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो पुली बनी हुई है इसको हैंडल से घुमाते हैं और इसका जो स्ट्रिंग टूटा हुआ है पाइप इसका ये वाला और इस पर एक वो है वो ब्रोकन है तो वो जब घुमाते हैं तो वो उसको ऊपर नीचे करता है तो एक तरह से ये हैंडल है एक टाइप का हैंड पंप है ये और ये नीचे पानी खोद के यहाँ से निकालता है आज आपको सूर्यन की ऐसी चीज दिखाई जाएगी जो सिर्फ अभी तक मैंने खुद इंडिया में देखी तो आपको दिखाते हैं और साक्षी इंडिया में इससे बहुत वो थी क्या कहते हैं बहुत ही यूज्ड थी मतलब बहुत यूज्ड थी काम करती थी इसके साथ उपले देखिए हमारे पीछे क्या ये है गाय भैंसों का गोबर अब ये नहीं पता हमें गाय का कि भैंस का मतलब हो सकता है घोड़े का नहीं होता घोड़े में तो बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो इतनी ज्यादा नहीं आ रही तो यहाँ पे एकदम ये एक फार्मिंग टाइप का बना हुआ है ये देखिए पीछे बड़ी सी मिल पूरा कारखाना इसके अंदर वो साइड देखिए ट्रैक्टर वगैरह देख सकते हो आप मेरे पीछे ये है थोड़ी सी एक्टिविटी बच्चों के टाइप की पता है यहाँ पे मुर्गे पाले हुए देसी जैसे अपने इंडिया में होते हैं और इधर घोड़े हैं छोटे पोनी तो पोनी राइड भी कर सकते हैं उसके भी प्राइसेस लिखे हुए हैं हाँ तो प्राइसेस लिखे हुए हैं और कुछ टाइमिंग लिखी हुई है ओपनिंग तो हमने मुर्गे देखे हुए हैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं मुर्गे यहाँ के और वो देखिए मेरे साइड पोनी घूम रहा है घोड़ा ये है भुट्टा अपने वहाँ गढ़वाली में कहते हैं ये है बकरी ये बकरा जो भी है और इसके मेमने इसके पीछे छुप गए देखिए बेंच के पीछे ओ तो साक्षी कह रही है ये बकरा है इसकी दाढ़ी है और ये भी हो ये क्या है ये भी बकरी का बच्चा है छोटा सा और एक इधर है और ये देखिए ये अपनी फैमिली के साथ जाते हुए और ये देखिए दो मुर्गे यहाँ भी हैं ये अपना खाना खा रहे हैं और अभी मुर्गे ने बांग भी दी थी तो वो मिस हो गई सुना नहीं पाए अरे यार फिर से दी और फिर से मिस हो गई जैसे ही मैंने कैमरा ऑफ किया फिर से उसने बांग मारी ये हैं गूस आई थिंक और ये छोटी सी शॉप है यहाँ से आप ले सकते हैं आई थिंक देसी अंडे और दूध से बना हुआ बटर वगैरह आई थिंक ये रखे हुए अंदर हनी वगैरह तो जो भी यहाँ पे बनाते होंगे ये हैं स्वीडिश गाय ये देखिए एक सो रही है एकदम मस्त ये काली वाली भी आराम से सुस्ता रहे हैं छांव में बैठ के
और इनके बगल आसपास देखिए ये हैं भेड़े, ये पीछे गाय और गाय तो नहीं और भेड़ ये खड़ी हैं बैठी हैं। इनको देख के मुझे गाना याद आया, हिमाचली गाना सुनाऊं? सुनाओ। पेड़ा तेरिया ओ चुग दिया घास नील माँ मुझे समझ, चलो साक्षी को समझ में नहीं आया, मेरे को भी दो लाइनें आती थी। तो गाइस ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, थक गए हैं, वापसी का हो गया, मूड बन गया, अब फेरी लेंगे, उसकी वेट कर रहे हैं। और मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आने के तीन तरीके हैं और तीनों तरीकों में डिफरेंस ये है पैसा। तो अगर आपको चीपेस्ट वे से आना है तो आई थिंक आप लो SL की टिकट और SL से आप आओ वैक्सोम तक, तो आपके 40 क्राउन जो भी टिकट है यूजल वो लगेगी। और फिर वैक्सोम से आप लो फेरी यहाँ तक की, जो कि 78 क्राउन लगते हैं, तो ऑलमोस्ट 120 क्राउन में आप यहाँ आ सकते हो, वन साइड वन पर्सन। और अगर आप इतना ज़्यादा नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली फेरी स्टॉकहोम से ले सकते हो, सेंट्रल कुंगसा गार्डन के पास, वहाँ से चलती हैं। तो लेकिन वो थोड़ा सा महंगी है, आई थिंक वो 120 की टिकट है यहाँ तक की, और आपको कुंगसा गार्डन तक जाने के लिए भी SL की टिकट लेनी पड़ेगी, तो 160 आपका लग जाएगा। और तीसरा वे है प्राइवेट टैक्सी बोट, जो कि स्टॉकहोम से चलती हैं और वो और भी महंगी है। तो मैंने उसका प्राइस नहीं देखा, लेकिन कुछ ब्लॉग पढ़े थे मैंने, वहाँ पे बता रखा था कि आई थिंक 250 और उससे प्लस लगता है। तो और प्राइवेट टैक्सी बोट सबसे फास्टेस्ट है, वो आई थिंक एक घंटे में आपको यहाँ पहुँचा देगी। और अगर आप कुंगसा गार्डन से लेते हो तो वो 2 घंटे लेती है यहाँ पहुँचने के लिए, 1 घंटा 55 मिनट। और अगर आप SL से और वहाँ तक आते हो वैक्सोम और फिर यहाँ आते हो तो ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लगते हैं। तो ये है आपको यहाँ के आने का तरीका। सो गाइस आज के ब्यूटीफुल डे स्पेंड करने के बाद आज हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जी हाँ, यू नो ड्रिल राइट, क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर अभी तक नहीं किया तो कीजिए, बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं अभी आगे चल के। तो बाय बाय।